एक सप्ताहव्यापी लगातार बृष्टिते विपर्यस्त उत्तर भारत विपर्यस्त देशेर राजधानी दिल्ली छटी जिला इतिमध्ये चले गिएछे जलेर तलाय। जमुनार जल उठे एसेछे रास्ताय, भाषिये दिएछे लालकेल्लार सामनेर रास्ता, सुप्रीम कोर्ट चत्वर। तबे शेष पावा खबर अनुयायी बृष्टि एकटु कमतेई रविवार जमुना जलस्तर सामान्य नेमेछे, जदिओ एखोनो ता विपद सीमार उपरेई रयेछे। इतिमध्येई एकाधिक जायगाय त्राण शिविर खुलेछे आप सरकार। निरापद जायगाय सरिये निये जाओया होयेछे 25,000 मानुषके। रविवार मोरी गेट एलाकाय त्राण शिविर परिदर्शने गियेछिलेन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तिनि जानियेछेन अनेक जायगा थेके जल नेमे गेछे, आशा करा होच्छे बाकी जायगा थेकेओ खूब शीघ्रई जल नेमे जाबे। ताकि वो अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित हैं, दिल्ली सरकार था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे। इसके बाद लोगों के एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित हैं दिल्ली के अंदर, इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं। और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया, वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो पानी घुस जाने की वजह से ये बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतजाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी।